हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रैपिड रोहन ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई, अभी बज रहा है 1:30। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ बानाहाट में, देख सकते हो मैं रेलवे गेट का साइड से जो रास्ता है उधर से मैं जा रहा हूँ एक भैया से मिलने। मैं बाइक में अपने पापा के साथ आया, आपने देखा तो पापा का कुछ काम था तो पापा उधर चले गए, मैं इधर जा रहा हूँ एक भैया से मिलने। कौन है भैया, क्या काम है मेरा उनसे, और फुल डिटेल्स आप लोग को इस ब्लॉग वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मैं इधर से जा रहा हूँ, ये सामने में बानाहाट रेलवे स्टेशन और साइड से जो रास्ता जाते हैं उधर से ही मुझे अंदर जाना पड़ेगा रेलवे कॉलोनी में, भैया उधर ही रहते हैं। तो चलिए भैया से मिल लेते हैं, पूरा डिटेल्स आप लोग को ब्लॉग में मिलेगा ही, आप लोग ब्लॉग में बने रहे ना, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या काम है उनसे। तो ये है बानाहाट रेलवे स्टेशन, आप लोग देख सकते हो पीछे में, ऐसा कुछ बानाहाट का ब्लॉग आप लोग ने देखा होगा मेरा साइलेंट स्ट्रगल आर के यूट्यूब चैनल में, एक दो 3000 से ज़्यादा व्यू आ चुका है, वो मैंने बहुत टाइम पहले शूट किया था, 1-1.5 साल पहले। तो बानाहाट वैसे मैं कम ही आता हूँ, ज़्यादा काम होता नहीं इधर, इसीलिए तो आज एक भैया से मिलने आया हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन और ये पीछे से जो रास्ता जाता है उधर से ही, अभी सुबह बारिश हो रहा था, अभी फिर से धूप हो गया तो पसीना पसीना हो जा रहा हूँ, बहुत ही थक गया वैसे। तो आ चुके हैं ये रास्ते में, तो चलिए वहाँ पहुँच जाते हैं, भैया से मिलते हैं, आप लोग को भी मिलवाते हैं, और क्या काम है फुल डिटेल्स आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, भैया का घर किधर है पता नहीं, इधर ही रेलवे कॉलोनी है ये, तो इधर में भैया रहते हैं, तो यहाँ सामने में मुझे रुकने के लिए बोला है भैया ने, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा वेट करूँगा भैया का, भैया यहीं पर आएँगे मुझे लेने, ये सामने में यहाँ पे रुकने बोले, क्योंकि इधर में गली गली है ना, कहाँ क्या घर है को समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ वेट करते हैं भैया का, अभी आएंगे मुझे लेने के लिए। तो मैं ये गलत उधर चला गया था, तो यहाँ पे मुझे अभी वेट करना होगा, तो भैया आएंगे लेने, फिर भैया के साथ चलते हैं। सभी देख सकते हो वो पीछे मोमो दुकान है, तो इधर ही वेट करने के लिए बोला है भैया ने, तो अभी इधर से कहीं से आएँगे भैया, इधर से आएँगे शायद, तो इधर ही वेट करते और भैया का आने का वेट करते, फिर यहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं थोड़ा देर। झोला लेके आ रहे हैं वहाँ पे हमारे रितेश भैया, देख सकते हो क्या भी ऐसा ही आ गया आप। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रितेश भैया के घर पे, मतलब वो यहाँ पे रहते हैं, मैं आप लोग को फुल डिटेल्स बाद में दूंगा, ये उनका है घर। तो चलिए अंदर चलते हैं, भैया से कुछ बात वत करेंगे और पूरा डिटेल्स आप लोग को ब्लॉग में मिलेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। यही भैया का घर है, ये देख सकते हो गेट कितना क्यूट सा, तो चलिए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं रितेश भैया के घर में आ चुका हूँ, ये उनका रूम है, यहाँ पे देख सकते हो भैया ऐसे अपने रूम को रखते हैं। तो अभी भैया उधर नहा रहे, उनका बहुत ही, वो अकेले इधर रहते हैं ना ये बानाहाट में, तो सारा काम खुद करना पड़ता है, खाना बनाने से लेकर घर को साफ सफाई करने से लेकर खुद का पर्सनल काम। तो भैया अभी उधर नहा रहे, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ। ये भैया का रूम है, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग को पता ही है, देख सकते हो ये। तो भैया नहा के आएँगे, अभी 5 मिनट में नहा लेंगे, तो भैया से आप लोग को मिलवाते हैं। तो यहाँ थोड़ा वेट कर रहे, इधर देखो फैन चल रहा है, तो वेट करते हैं भैया नहा के आते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलवाते हैं। सो फ्रेंड्स, भैया अभी गए हैं चाय बनाने के लिए, और भैया ने अपना चेहरा दिखाने के लिए मना किया है उनका पर्सनल रीजन के कारण, तो मैं उनका चेहरा आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। भैया का चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बिना चेहरा दिखाए मैं आप लोग को जितना हो पाए बताऊँगा, क्योंकि उनका पर्सनल रीजन है जिस कारण से। तो भैया अभी उधर चाय बना रहे, तो चाय पीते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो भैया से कुछ बात के लिए मैं आया था, कुछ मीटिंग जैसा ही था, तो बात तो हो रहा है भैया से, बाकी सारा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो भैया ने चाय ला दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भैया, इनका चेहरा मैं नहीं दिखा सकता, इसके लिए बहुत सॉरी है भैया का, सिर्फ आप पेट देख लीजिए, यहाँ पे बिस्किट है और चाय है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मैं जो भैया से मिलने आया था, उनका ये कुछ अवार्ड है, ये भारतीय रेलवे, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, ये भैया का कुछ अचीवमेंट्स है। तो अवार्ड देख के मुझे बहुत ही खुशी लगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडियन रेलवे, और यहाँ पे ये अचीवमेंट। तो भैया से जो काम के बात के लिए मैं आया था वो यही बात था, तो बहुत ही अच्छा लगा भैया के ये अवार्ड्स देख के।
सोफ्रेंस अभी भैया से सारा मीटिंग हो चुका है, अभी सब कुछ बात वत हो गया, हम लोग का कुछ अच्छा मीटिंग हुआ है। अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चलेगा किस बात में और किस टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग हुआ है भैया से। आपने भैया का अवार्ड देख लिया, मुझे बहुत ही खुशी लगा। तो अभी यहाँ से निकलना होगा, तो भैया मुझे ले जा रहे खाना खिलाने के लिए। तो इधर में कहीं पर होटल होगा, वहाँ पर खाएँगे खाना। तो भैया अभी लॉक करके वहाँ से घर लॉक करके अभी आएँगे बाहर, तो जाएँगे हम लोग कुछ खा के आएँगे, मतलब खा के नहीं आएँगे, मैं खाऊँगा और मैं चले जाऊँगा उधर से घर, भैया अपने घर पर आ जाएँगे। तो भैया का कुछ पर्सनल रीज़न है जिस कारण से उन्होंने चेहरा दिखाने से मना किया, उसके लिए सॉरी है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं भैया के साथ और खाना खाते हैं और आप लोग से मिलते हैं आगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। प्रोग्राम आपका कब तक चलेगा? तो फ्रेंड्स अभी फाइनली जा रहे भैया के साथ खाना खे, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में भैया का चेहरा मैं जरूर आप लोग को दिखाऊंगा। तो भैया अभी मेरे साथ ही चल रही है इधर में। सो फ्रेंड्स यहीं पे आए हैं खाना खाने के लिए, भैया ने यहीं पे लाया है, तो देख सकते हो कितना अच्छा होटल है। फाइनली वो भैया ने मुझे खाना खिला दिया, आप लोग ने देखा। भैया और पापा उधर में भी बात कर रहे हैं, ये देखो चाबी और हेलमेट और पापा का बाइक यहाँ पे। तो पापा और वो भैया दोनों बात कर रहे हैं वो होटल में चाय पीते हुए। तो मैं इधर साइड में आ गया ब्लॉग करने के लिए, तो बस चाय पी के पापा आते हैं, देन निकलेंगे यहाँ से घर की ओर। और भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पापा आ चुके हैं, तो बस वेट करते हैं थोड़ा देर, पापा आते हैं देन यहाँ से जाते हैं घर। तो आप ब्लॉग में बने रहना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज के ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पता है आपको बहुत ही अच्छा लगा लगता है मेरा वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, मुझे सपोर्ट करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।